पीटीआई की काबिलियत कैसे अंदाजा करें कि पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए जो तीन नाम दिए वो तीनों के तीनों गैर मौसर हो गए। पहला नाम नासिर खोसा साहब का उनकी इजाजत के बगैर दिया, दूसरा नाम जिस शख्स का दिया वो दोहरी शहरियत का हामिल है, और तीसरा नाम जिस शख्सियत का दिया वो सरकारी अफसर है, वो नाहल है। अब अपना पैनल जब उनका पूरा नाहल हो गया और जो उनकी अपनी नाहलियत से नाहल हुआ, अब उन्हें एतराज ये है कि जो कायदे हिजब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ ने पैनल दिया है उसमें से नाम क्यों चुना जाएगा। तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अब सिर्फ एक ही नाम बाकी बचा है और वो जनाब मोहसिन नकवी साहब का है, तो लिहाजा कोई चॉइस नहीं है कि किसी और का नाम अब उसमें डाला जाए। पीटीआई की काबिलियत कैसे अंदाजा करें कि पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए जो तीन नाम दिए वो तीनों के तीनों गैर मौसर हो गए। पहला नाम नासिर खोसा साहब का उनकी इजाजत के बगैर दिया, दूसरा नाम जिस शख्स का दिया वो दोहरी शहरियत का हामिल है, और तीसरा नाम जिस शख्सियत का दिया वो सरकारी अफसर है, वो नाहल है। अब अपना पैनल जब उनका पूरा नाहल हो गया और जो उनकी अपनी नाहलियत से नाहल हुआ, अब उन्हें एतराज ये है कि जो कायदे हिजब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ ने पैनल दिया है उसमें से नाम क्यों चुना जाएगा। तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अब सिर्फ एक ही नाम बाकी बचा है और वो जनाब मोहसिन नकवी साहब का है, तो लिहाजा कोई चॉइस नहीं है कि किसी और का नाम अब उसमें डाला जाए। पीटीआई की काबिलियत कैसे अंदाजा करें कि पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए जो तीन नाम दिए वो तीनों के तीनों गैर मौसर हो गए। पहला नाम नासिर खोसा साहब का उनकी इजाजत के बगैर दिया, दूसरा नाम जिस शख्स का दिया वो दोहरी शहरियत का हामिल है, और तीसरा नाम जिस शख्सियत का दिया वो सरकारी अफसर है, वो नाहल है। अब अपना पैनल जब उनका पूरा नाहल हो गया और जो उनकी अपनी नाहलियत से नाहल हुआ, अब उन्हें एतराज ये है कि जो कायदे हिजब इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ ने पैनल दिया है उसमें से नाम क्यों चुना जाएगा। तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अब सिर्फ एक ही नाम बाकी बचा है और वो जनाब मोहसिन नकवी साहब का है, तो लिहाजा कोई चॉइस नहीं है कि किसी और का नाम अब उसमें डाला जाए। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।